चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर इन पाकिस्तानियों ने हम इंडिया वालों को धमकी दी है। पाकिस्तान की तरफ से हम भारतीयों को धमकी दी गई है। ये धमकी किसी लड़ाई और झगड़े के लिए नहीं है, बल्कि क्रिकेट के लिए है। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड PCB ने कहा है कि अगर इस बार भारतीय टीम 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आई तो इस बार हम भी नहीं आएंगे। खैर, पाकिस्तान ने भारत को धमकी कोई पहली बार नहीं दी है। ये इनका धमकी वाला सिलसिला 2022 में होने वाले एशिया कप से चल रहा है। तब भी इन्होंने कुछ ऐसा ही बोला था। जब पाकिस्तान एशिया कप को होस्ट कर रहा था तब भी इन्होंने बोला था कि अगर भारतीय टीम एशिया कप में नहीं आई तो हम भी 2023 में होने वाले ODI वर्ल्ड कप में भारत खेलने नहीं जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, आप सभी को याद होगा, वही पाकिस्तानी DM, वही PCB के डायरेक्टर, वही पाकिस्तान की टीम पूरी, फिर वही हुआ। भारत खेलने आए ना यार, भारत खेलने आ ही गए ना, इनके धमके से कुछ नहीं होता भाई साहब यार, बस ये बोलना चाहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान एशिया कप खेलने नहीं गई थी, लेकिन उनके सभी खिलाड़ी हमारे यहाँ 2023 में ODI वर्ल्ड कप खेलने आए थे, आप सभी को याद होगा। और अब एक बार फिर से पाकिस्तानी अपने उसी गीदड़ धक्की वाली धमकी में आ चुके हैं। धमकी दे रहे हैं इंडिया वालों को कि अगर भारतीय टीम 2025 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आई तो हम भी 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत में है उसको खेलने हम भी नहीं आएंगे। जो पुराने लोग होंगे उन सभी को याद ही होगा कि पाकिस्तान और इनके PCB बोर्ड ने 1996 में कोई अच्छा सा बड़ा सा ICC इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद से आज तक इन्होंने कोई भी ICC इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया है। ये बात पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि अगर भारतीय टीम 2025 चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान गई तो पाकिस्तान तो यार मालामाल हो जाएगा, हर तरफ से उसके जलवे जलवे, उसके इवेंट के में 4 चांद लग जाएंगे, उसकी इवेंट की शोभा बढ़ जाएगी। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा ना, क्या गजब का हो गया भाई, अब क्या बताऊँ, पैसे ही पैसे होंगे पाकिस्तान में, पैसे ही पैसे हैं। इसलिए वहाँ के जितने भी बड़े बड़े नेता व क्रिकेटर सभी हैं, सब मिल के BCCI के बोले तो पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे भी करके आप लोग मान जाओ इंडियन टीम को यहाँ भेज दो। आपने अभी कुछ दिनों पहले शाहिद अफरीदी के बयान भी सुने होंगे कि वो कितना मीठा मीठा यार बातें कर रहे हैं, कि विराट कोहली के बारे में बोल रहे हैं कि यार विराट भाई प्लीज़ आप आ जाओ, आपको इतना यहाँ प्यार मिलेगा, या आपके फैन इंडिया में कुछ नहीं है, पाकिस्तान में कहीं ज़्यादा है। यार ऐसा कभी हुआ आज तक कि ऐसा मतलब बोल रहे हैं पाकिस्तान में विराट कोहली के ज़्यादा फैन है और इंडिया में कम है? क्या यार कुछ भी बोलते हो, मतलब अपने फायदे के लिए कुछ भी बोलते हैं पाकिस्तानी, जितने भी लोग हैं, चाहे शाहिद अफरीदी हों, कामरान अकमल हों, मतलब जितने भी हैं सबके सब एक सवर्ड करे गए, है ना। तो दोस्तों ये रहे पाकिस्तान के कुछ गीदड़ भक्की और धमकियां जिनके बारे में मैंने आपको बताया। क्या सच में भारतीय टीम को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप अपनी राय हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आप लोगों को हमसे कोई बात करनी है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके हमको DM कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।